प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रविवार को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शहर पहुँचे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा कार्यकाल के 9 साल उपलब्धि भरे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर कहा कि पेट्रोल पदार्थों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होते हैं, इसे पीएम नरेंद्र मोदी जीएसटी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान का समापन 30 जून को होगा। इसके तहत जिले में बड़ी सभा आयोजित करेंगे जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। डिजिटल लेनदारी काफी आगे बढ़ी है। सब्जी बेचने वाला भी आजकल डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का सिस्टम रख रहा है, बारकोड से पैसा ट्रांसफर करते हैं, पे फोन पर करते हैं। इस पे बहुत सारी बढ़ोतरी हमारे सरकार के समय 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं आए हैं। ये राशि नहीं आने के कारण सरपंच, सैकड़ों सचिव और जिन दुकानदारों ने उधार दिया है वो बुरी तरह से परेशान है। तो ये जहाँ विकास की बात हो रही वहाँ इस तरह की ये बात हो रही कि 40 करोड़ का भुगतान नहीं। आप चूंकि केंद्र से आए हैं तो ये बात आप केंद्र तक पहुँचे। जी, मैं परसों एक इसी तरह से प्रेस वार्ता में इस विषय को मुझे उठाया गया था, मैं नोट कर रखता हूँ और मैं जरूर हमारे पंचायत मंत्री से मैं इस विषय में 30 जून तक एक महीना का प्रोग्राम बना के हर एक लोकसभा में हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मुझे 4 लोकसभा में पार्टी की तरफ से भेजा गया है और इसी तरह से मैं आज खरगोन लोकसभा में उपस्थित हूं और आज पूरा दिन भर करीब हम 7 प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारे मीडिया के साथियों के साथ हमें बैठना है, उन लोगों के साथ खाना खाना है और हमारी सरकार की जो 9 साल में हमने क्या किए हैं उसका एक प्रेजेंटेशन आप लोग दिखाना है। उनका बात हो सके वो आप लोग प्रश्न कीजिएगा। तो मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।